नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। इससे पहले की वीडियो में हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन करना सीखा था। आज सीखेंगे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब कि वे 16 में हमको जाना है। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 एंड A to F तक के अंक होते हैं, और डेसिमल में इससे पहले हम बात कर चुके हैं 0 to 9 तक के अंक यूज होते हैं। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इससे पहले हम करते आ रहे हैं वही स्टेप प्रोसेस है इसमें। जैसे 91 नंबर है, उसको क्या करेंगे, सेम एग्जाम जाना मतलब बेस 16 जाना है, तो 16 से क्या करेंगे इसमें भाग देते जाएंगे। जब तक देंगे अब तो ये फिनिश ना हो जाए नंबर, और जो हमारा शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, उसको यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 16 × 5 = 80 पांच बार जाएगा यहाँ पे और 6 बार नहीं जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा, ये बचेगा 11। ठीक है, तो इन 11 को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर अगेन 16 का भाग देंगे इस 5 में, 5 में भाग नहीं जा रहा, तो हम लिख लेते हैं 5/16, और इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल करने करने के लिए क्या करेंगे कि ये कन्वर्ट तो हो गया, बट ये 11 को हम क्या करते हैं, इस हम यह देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं और 10 से लेकर 15 तक होते हैं। बट इस 10 को हम लिखते हैं क्या ए, इसके बाद B C D और लास्ट में F तक। कहने का मतलब 10 को ए से, 11 को बी से, तो इस 11 को हम बी लिख लेंगे यहाँ पे, और प्रोसीजर वही है, बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट होगा, क्या लिखेंगे हम इसको, 5/11 नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 5V। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे बेस 16। तो ये हमारा किस में हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 91 नंबर। ठीक है, 91 यदि डेसिमल लिखे तो ये आएगा, और एग्जाम लिखे तो 5V16 आएगा। अगली वीडियो में हम इसको अपोजिट भी करना सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो एक और है उसको भी देख लेते हैं। नंबर जो हमारे पास है क्या है, वो 675, 675, इसको भी हम कर लेते हैं कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, वही 16 से भाग देंगे, और जब तक देंगे तो ये फिनिश ना हो जाए। तो 16 × 16 = 32, 64 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना बचा, 3 बचा, ये 35 हो गया, तो 16 × 2 = 32, कैरी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 लिख देंगे। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर 16 से भाग, 16 × 2 = 32, 2 बार जाएगा, ये 2 कितना बचेगा, 10 बचेगा, लिख देंगे। और फिर 16 से 2 में नहीं जा रहा, तो 16 2×16 लिख देंगे, और यहाँ कितने लिख देंगे, 2। ठीक है, इस 10 को हम लिखेंगे कैसे, 10 को लिखेंगे ए से, क्योंकि 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, डी ई एफ तक, ऐसे हेक्साडेसिमल में नंबर लिखते हैं। अब वही हम क्या करेंगे, टॉप टू बटन जाएंगे, तो इसका कन्वर्जन जो आएगा फाइनल, इसका आ जाएगा क्या, 2A3। ठीक है, ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, अब एक और नंबर है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। ये जो है क्या है हमारा, 6749 जो है डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो 16 से डिवाइड करते जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 16 × 64, 4 बार गया, 3 बचे, 34 हो जाएंगे, तो कितना जाएगा, 16 × 2 = 32, 2 बचेंगे, 29 हो जाएंगे, 29 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 16 × 16, कितना शेषफल बचेगा वो लिख देंगे, यहाँ बचेगा 29 में 16 जाएंगे, 9 और 4 = 13। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब फिर देंगे 16 से भाग, 16 × 16, 16 × 32, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 10, तो जो जाएगा 101, 101 में कितना जाएगा, 16 × 16 = 96, 26 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे कैरी, यहाँ बचेगा 101 में 96 गए तो 5। ठीक है, ये हो गया। अब 16 का भाग फिर 26 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 × 16, कितना बच जाएंगे यहाँ पे, 10, और फिर 16 के इसमें देंगे तो 1/16, और ये 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखना, इस 10 को लिखेंगे ए और इसको लिखेंगे
10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी। तो हमारा नंबर क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। जो हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा वो बनेगा क्या, 1A5D। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया नंबर। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, जिस नंबर में आना उस नंबर से भाग देते जाएंगे और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको लास्ट में लिखेंगे और बॉटम टू टॉप जाकर नंबर को लिख देंगे। चूंकि ये बॉटम रहता है हमारा, इससे पहले हम वीडियो में अच्छे सीखा है इसको, बॉटम रहता है MSB और टॉप पर रहता है LSB, तो MSB टू LSB चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।